ये इतना न्यूट्रिशियस पौधा है कि इसमें कैल्शियम दूध से ज़्यादा है, विटामिन ए गाजर से ज़्यादा है, पोटेशियम बनाना से ज़्यादा है, और इसमें बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। इसकी ड्रमस्टिक वेजिटेबल फलियाँ भी लगती हैं, तो ये आप आराम से घर पर लगाएं, ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। और इसको मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इन सबको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, स्टीविया को आपको बहुत तेज़ धूप और बहुत तेज़ ठंड से बचाना पड़ता है, सिर्फ इतनी सी बात। ये मैजिकल प्लांट है जो आपको डायबिटीज़ से ठीक कर सकता है, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है। लोग इसके ज़्यादातर फिर अब नेचुरली जब कमर्शियल होता है तो इसको सुखा के इसका पाउडर बना, इसका ये कर वो कर। अगर आप घर पर लगाएं और डेली इसका आप दिन के 3 पत्ते खाते हैं और आपके 30 यूनिट तक आपकी इंसुलिन लगती है, तो उससे आपको आराम से निकाल सकता है। ये एक बड़ा सिंपल सी बात है। जंगल में कौन जाता है केयर करने प्लांट की? नहीं जाता प्लांट को। दुख प्लांट में अपने आप में क्षमता है उगने की, हम बीच में टांग रहे बस। हमारी जो पौधे हैं उनको खुद उगते हैं, हम तो सिर्फ उनको उनका भोजन दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रत्नाकर है और आप सरल के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम हैं पंजाब के जिला जलंधर में। जलंधर में हर्बल नर्सरी है, मिंक हर्बल नर्सरी के नाम पे, और हमारे साथ अनुराग जी हैं। लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और साथ के साथ ये नर्सरी जो है वो भी चला रहे हैं। बातचीत करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आपने कहा कि मेरे पास कई ऐसे जादुई पौधे हैं जो कि आम हैं लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जब पता लगेगा तो बड़े जादुई लगेंगे उन्हें। जी बिल्कुल। तो आज हम भाई साहब किन पौधों पे बात करने लगे? आज की डेट में जो सबसे बड़ी एक समस्या जिससे लोग जूझ रहे हैं वो है डायबिटीज़, जिसको हम शुगर की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो मैं 3 ऐसे पौधों के बारे में बात करूंगा जो आपको वाकई हेल्प कर सकते हैं अगर आप डायबिटीज़ के साथ फ़ाइट कर रहे हैं। आपको फ़ाइट में हेल्प भी करेंगे और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, और आपको हो सकता है इस चीज़ से आप निकाल भी लें इनसे। ठीक है, तो सबसे पहले किस पौधे पे बातचीत करने लगे? सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीविया पे। स्टीविया एक जो जिसकी हम बात करते हैं, ये स्टीविया का पौधा है। स्टीविया बेसिकली एक नेचुरल स्वीटनर है, तो इसका मैं आपको टेस्ट भी कराता हूँ। आप टेस्ट करके बताइएगा अपने व्यूअर्स को कि आपको कैसा लगता है, उसके बारे में आपको बताऊँगा कि इसका यूज़ कैसा है, इसको आप खा सकते हैं। ये स्टीविया है, मैंने आज तक ऐसे ही चीनी पे पैसे लगाए। अच्छा, और इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, मीठे के साथ साथ इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। स्टीविया की बात करते हैं, स्टीविया के ड्राइड भी आप पत्ते यूज़ कर सकते हैं, इसको आप चटनी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टीविया सबसे पहला स्टेप है आपका, क्योंकि आप जो शुगर छोड़ना चाहते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, ज़रूरी नहीं कि आप अगर डायबिटिक हैं तभी ये पौधा आपके लिए है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप चीनी से निजात पाना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टीविया का पौधा है। स्टीविया के पत्ते हैं, स्टीविया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अब होता क्या है, जो मार्केट में स्टीविया मिलता है उसको फिर वही सफ़ेद चीनी जैसा बनाने के लिए उसमें डेक्सट्रोज डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, जो हम खास करके पढ़े लिखे भी हैं, हम इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते हैं। हम कहते हैं बड़ी अच्छी फ़ोटो है, ऊपर ले लेते हैं। तो ये जो नेचुरल पौधा अगर आप घर पर लगाते हैं, एक तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, और आप इसको आगे जितना मर्जी बढ़ेगा ही। ये पौधे जो हैं ये आपको देते ही, आपसे मांगते कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब इस स्टीविया को आप यूज़ करते हैं, ये आपका बेसिकली बॉडी में शुगर की वो कम करता है, आपकी क्रेविंग, ये आपके जो टूथ कैविटीज़ होते हैं, दांत की जो कैविटीज़ होती हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, चाय वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, आपकी चाय में मिठास आती है, और आप इसको आराम से पिए, आपको चीनी की ज़रूरत नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये है जो आपको चीनी से दूर कर देगी और आपको इसका स्ट्रेस नहीं होने देगी कि आपको शुगर नहीं मिल रही है, क्योंकि शुगर का बॉडी पे माइंड रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा अगर आप चीनी खाते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, तभी लोग जो डेजर्ट खाते हैं बाद में, जो मीठा खाते हैं खाने के बाद, रिलैक्स हो जाता है बंदा खा के। तो चीनी का बॉडी पे एक अलग इम्पैक्ट आता है, तो ये जो आपके मुंह में मिठास आई तो उससे आपको रिलैक्सड मिला, इसके साथ साथ अलग की खुशबू आई, अलग खुशबू भी आई। सो ये आपको चीज़ इसमें रहेगी, सही रहेगी। ये पहली चीज़ होगी स्टीविया। जो दूसरा पत्ता है, जब आपको शुगर होती है, बेसिकली आपका बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बढ़ता है, उससे आपकी वीकनेस आती है। शुगर जो है वो बोन्स को इम्पैक्ट करती है, बोन्स जब आपकी कमज़ोर होने लग पड़ती हैं, आपका एनर्जी लेवल डाउन जाता है, तो आपका ब्लड भी गाढ़ा होता है, तो आपको जब क्या कहते हैं हार्ट अटैक वगैरह आए या ऐसी कोई समस्या आए तो वो पता भी नहीं चलता, वो साइलेंट अटैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो शुगर की अगर हम बात करते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है इंसुलिन का पौधा। इंसुलिन का पौधा जिसका कि टेक्निकल नेम है कॉस्टस इग्नस, ये बाहर ब्राज़ील का प्लांट है, कॉस्टस इग्नस कहा जाता है इसको। इंडिया में इसको, ये मैजिकल प्लांट है जो आपको डायबिटीज़ से ठीक कर सकता है, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है।
लोग इसके ज़्यादातर फिर अब नेचुरली जब कमर्शियल होता है तो इसको सुखा के इसका पाउडर बना, इसका ये कर वो कर, अगर आप घर पे लगाएं और डेली इसका आप दिन के 3 पत्ते खाते हैं और आपके 30 यूनिट तक आपकी इंसुलिन लगती है तो उससे आपको आराम से निकाल सकता है। ये काम कैसे करता है, ये आपके जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं उनको सेल कर, उनको रीजनरेट करता है, उनको बेटर करता है और आपकी इंसुलिन की बॉडी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। साथ के साथ ये आपके जो ब्लड शुगर है उसको भी कम करता है, तो आपकी बॉडी के पेनक्रियाज के ऊपर भार जो है वो कम हो जाता है। सो इसका भी मैं आपको टेस्ट ज़रूर कराऊँगा, तो इसका आप ज़रा एक बार टेस्ट करके देखें और अपने व्यूअर्स को बताएं। क्रंची के साथ साथ मीठा, क्रंची खट्टा मीठा टेस्ट आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। कड़वा है तो मत खाइएगा, वो इंसुलिन नहीं है, आपको नर्सरी वाले ने कुछ और ही दे दिया है। सो मैंने आपको ये 2 क्यों टेस्ट कराए हैं कि लोगों की नॉर्मली होती है पत्ता है कैसे खाएंगे, कड़वा होगा, ये है वो है, तो वो चीज़ नहीं है। ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने को, आप आराम से खा सकते हैं। आप इसको काट के सैलड में डाल सकते हैं, अगर आप ऐसे पत्ते नहीं खाना चाहते अपने लॉन में लगाइए, सैर करिए और इसको आगे आप क्लिपिंग से बढ़ा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पौधे पे पौधे खरीदने हैं, एक बार आप 2-3 पौधे या एक बड़े पौधे ले लें उसके बाद आप इसको आगे आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया इंसुलिन, तो इंसुलिन बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके साथ में फाइबर भी जाता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह को भी ठीक करता है। तीसरा जो पौधा है इसको हम कहते हैं मोरिंगा, मोरिंगा इसका टेक्निकल नेम है मोरिंगा ओलिफेरा, जिसको हम हिंदी में सहजन भी कहते हैं, पंजाबी में सुहांजना भी कहते, हिंदी में सुहांजना भी कहते हैं, सुहांजन भी कहते हैं, इसके बड़े नाम हैं। ये इतना न्यूट्रिशियस पौधा है कि इसमें कैल्शियम दूध से ज़्यादा है, विटामिन ए गाजर से ज़्यादा है, पोटेशियम बनाना से ज़्यादा है और इसमें बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। इसकी ड्रमस्टिक वेजिटेबल फलियाँ भी लगती हैं, तो ये आप आराम से घर पर लगाएं, ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और इसको मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इन सबको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, स्टीविया को आपको बहुत तेज़ धूप और बहुत तेज़ ठंड से बचाना पड़ता है, सिर्फ इतनी सी बात है। पानी इनको बहुत, इसको तो आप महीने में 2 बार बेचारे को पानी लगा दोगे ये तब भी आपसे और कुछ नहीं मांगेगा, बस आपको देगा देगा ही देगा। इसकी टहनी से लेकर पत्तों से लेकर इसकी फलियों से लेकर हर चीज़ की काम आती है। अब इसका मैं आपको टेस्ट कराऊँगा, इसका टेस्ट क्यों कराऊँगा, ताकि आपको मालूम हो कि इनको खाना मुश्किल नहीं है और खाने के क्या तरीके हैं। पत्ते चाय में डाल दो, रोटी में डाल लो, सब्ज़ी में डाल दो, वैसे ही खा लो, क्यों आप मतलब इससे दूर रह रहे हो। और न्यूट्रिशन का ये पावर हाउस है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और टेस्ट ठीक है इसका, बहुत बढ़िया टेस्ट है, जो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं पहली बार खा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी आपकी तरह चीनियों पे ही। और इनको मैंने कोई पैसा नहीं दिया है। सो दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये खाते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में इंसुलिन को और बढ़ावा देते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। सो ये जो एक प्लांट है ये आपको ताकत देगा, क्यों, क्योंकि जब आपको शुगर है तो आप काफ़ी चीज़ें खाने से हट, परहेज में आप खाते नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें, कई फल नहीं खाते आप, कई आप अनाज से, आप कनक वगैरह में भी शुगर रहती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो भी आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ाती है, तो आपका न्यूट्रिशन का ये स्रोत बनेगा। तो ये 3 चीज़ें अगर आप डाइट में ऐड कर लें तो आपकी डायबिटीज़ पर्टिकुलरली टाइप 1 डायबिटीज़, जो पैदाइशी जो आपकी जेनेटिक डायबिटीज़ हैं उसमें थोड़ा दिक्कत है, जेस्टेशनल जो आपकी डिलीवरी के बाद डायबिटीज़ हुई है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो आपकी पैदाइशी नहीं थी उसके लिए, तो ये 3 पौधे जादू ही हैं। अनुराग जी, जैसे आपने इन 3 पौधों के काफ़ी गुण बताए हैं, साथ साथ ये किफ़ायती कितने हैं, मतलब कि जैसे हम बाहर से प्रोडक्ट लेते हैं कि चलो इसमें शुगर कम है, रेकमेंड भी डॉक्टर भी कर देते हैं आप गोलियां ले लीजिए शुगर की, तो बजट के हिसाब से ये कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर बजट ऐसे है कि इनका कोई ऐसा बजट ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो आपको देना है वापस उसका तो टाइम इन्वेस्टमेंट और क्या इन्वेस्टमेंट होगी। ये 3 पौधे भी आप मिला के ले लोगे तो क्या 300 रुपये, 400 रुपये या ज़्यादा 500 रुपये लग जाएंगे आपके। आप एक पिज़्ज़ा खाते हैं डोमिनोज़ का तो वो आपका घर पे डील में 1+1 में 650 का पड़ता है, और उसमें क्या होता है आपको भी मालूम है। पर ये है कि चलो घर पे आता है तनाना नाना नहीं है ना, वो कहते हैं खुशियों की होम डिलीवरी, ये हैं खुशियाँ, इससे खुशी आएगी, उससे बीमारियाँ आएंगी। मैं नहीं कहता पिज़्ज़ा मत खाओ, मैं भी खाता हूँ, घर वाले खाते हैं तो हम भी खाते हैं, खाओ, साथ में ये चीज़ें भी ऐड करो डाइट में, जब एक मिक्स्ड रहेगा तो सही रहेगा, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा अनुराग जी, आखिरी सवाल रहेगा कि हम पौधे खरीद लेते हैं, और पौधे जब हम खरीद लेते हैं तो हम उसकी इतनी केयर के पीछे लग जाते हैं, उसको पानी देना, उसके बाद में उसकी ज़्यादा केयर करनी, तो क्या वो फ़ायदेमंद रहता है कि उसमें भी घाटा हो जाता है कि इसमें हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं या ज़्यादा केयर हो जाती है। देखिए एक बड़ा सिंपल सी बात है, जंगल में कौन जाता है केयर करने प्लांट की, नहीं जाता ना, प्लांट खुद उगता है, प्लांट में अपने आप में क्षमता है उगने की, हम बीच में टांग अड़ाते हैं बस। हमारी जो पौधे हैं उन वो खुद उगते हैं,
हम तो सिर्फ उनको उनका भोजन दे सकते हैं क्योंकि हमने बारिश का पैटर्न चेंज कर दिया, अब यहाँ पे नदी नहीं है तो हमें पानी देना पड़ेगा। अगर ये नेचुरली होता तो नेचुरली उगते, हमें सिर्फ हल्का फुल्का इनको जितना इनको केयर चाहिए वो करना पड़ता है। और पौधा आपसे बात भी करना चाहता है, हम उसकी बात सुनते नहीं, हम नॉर्मली किसी की भी नहीं सुनते, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। तो जब अगर आप पौधे की सुनेंगे तो जैसे ये है, जब इसमें पानी की कमी होगी ये पौधे नीचे ऐसे झुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि पानी ही है जो पौधे को खड़ा रखता है कैपिलरी एक्शन के साथ। तो ये जो जब इसमें क्या कहते हैं पानी कम होगा तो लीव्स अपना पानी रूट्स को देंगी, तो ये लीव्स नीचे को चल जाएंगी। आपने देखा होगा कई बार आपके घर में पौधे गिर जाते हैं, ड्रूप हो जाते हैं, तो उनको पानी उस टाइम पे कम है। हाँ, अगर वो पौधे नीचे से गलना शुरू हो गए तो आपने पानी ज़्यादा दिया है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हर प्लांट की अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप वाटर ज़्यादा देते हैं तो फिर भी वो स्ट्रेस ले लेता है, अगर कम देते हैं तो फिर वो सूख जाता है। तो आपको एक देखना पड़ेगा मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से। छत पे लगा रहे हैं तो धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होगी, फिर पानी ज़्यादा लगेगा। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कोकोपीट डाल दीजिए, बूरा जो लकड़ का बूरा होता है वो डाल दीजिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो बैलेंस बनाएंगे। हाँ, मतलब आप सिंपल मेरे, आप जो व्यूअर्स मेरे को देख पा रहे हैं, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को मॉइस्चर चाहिए, जिसको गिल कहते हैं, गीला, उसको सिर्फ गीली मिट्टी चाहिए, वो पानी अपने आप ले लेगा उसमें से जितना उसको चाहिए। हम क्या करते हैं, पानी डाल डाल के पानी खड़ा कर देते हैं वहाँ पे, कहीं तो तीन बार भी पानी डाल, वो फिर बेचारा सांस नहीं ले पाता, उसको फिर प्रॉब्लम होती है रूट रॉट की, रूट उसकी जड़ें गल जाती हैं, वो जहाँ से उसने पानी लेना है वो बेचारा। तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी बातचीत करने के लिए। तो ये तीन प्लांट के बारे में हमने आज बात की है जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए कैसे ये फ़ायदेमंद रहेंगे, कैसे उनके जो बजट है उसको भी सेट रखेंगे। अनुराग जी के पास और भी कई प्लांट हैं, अलग अलग प्लांट हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके के साथ आप सरल के साथ जुड़े रहिए, इनके अलग अलग प्लांट्स के बारे में हम जल्द ही नए एपिसोड लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।